गुजरात दिल्ली के चांदनी चौक में एक जीरो फिगर चोरनी ने ज्वेलरी शॉप से 50 लाख रुपए की चोरी। बात है यार, तेरा आवाज कम करना यार, तू अपनी पूजा खत्म कर पहले। आज ऑफिस में लेट जाएंगे ना तो वो सास टॉन्ट मारेगी। सास? अबे तेरी सास कब से पैदा हो गई रे? अपना बॉस कोई सास से कम है क्या? वो पुजारी तेरा हो गया? हाँ हो गया, चलो चलो चलो। अरे क्या चलो 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 चलो, पूरी रात तेरी वजह से टीवी ऑन रहती, पहले टीवी बंद कर। हाँ तो फिर क्या बिल आता है ना, समझ में नहीं आता तेरे को। चल तू देख रहा था अभी और मेरे पे बंद कर। चलो चलो लेट हो रहे भाई, चलो। गलत है ये क्या यार, सब मेरे पे नाम लेते। अभी अभी ताजा खबर मिली है कि कल रात मुंबई में 6 आतंकवादी जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो गए। रात भर चल रहे कॉम्बिंग ऑपरेशन में पुलिस ने इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 आतंकवादी अभी भी फरार हैं। अब क्या देख रही है? पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि वो सावधानी बरते और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर हमें नीचे दिए हुए नंबर पर सूचित करे। क्या कर रहे रे, पागल है क्या? नहीं वो मैं क्या बोलता हूँ, आज घर पे ही रुकते ना, वो बाहर आतंकवादी मिल जाएंगे तो। हाँ हाँ आतंकवादी तो तेरा वेट कर रहे होंगे, रंजन ऑटो पकड़ के आएगा और हम लोग हाथ देके रोक लेंगे। अरे पागल, जेल यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पे थोड़ी ना आएंगे वो लोग। तुझे क्या लगता है वो उसी इलाके में बैठ के पुलिस का वेट कर रहे होंगे? भाई वो आतंकवादी है, कहीं पे भी हो सकते हैं यार। बात तो ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, तो जाते जाते घर अच्छे से लॉक कर देंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग ऑफिस पहुँच जाए और आतंकवादी यहाँ आ जाए। ए दादा शुभ शुभ बोल। शुभ शुभ बोल दिया, अब जाए ऑफिस, नहीं तो वो चोटी वाला आतंकवादी ना चोटी से ही मारेगा। चल चलो। अभी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? हाँ। बहुत एकदम ऐसा। चाची। हाँ चाची कैसी हो? मत पूछ रंजन मैं कैसी हूँ, मेरे भाग फूट गए। क्यों क्या हुआ? रंजन बेटा तेरे चाचा। क्या? कब कैसे कहाँ? अरे कल शाम को तो उनसे बात हुई थी और अब अचानक। ए येड्या कुछ नहीं हुआ है उनको, ठीक है वो, तो पूरी बात सुनो नहीं तो वहाँ पे आके मारूंगी तेरे को। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ क्या 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 बोल रही थी आप वैसे? रंजन तेरे चाचा। चाची आगे बोलो। रंजन तेरे चाचा की नौकरी चली गई बेटा, अब हम टूट गए, बर्बाद हो गए, रास्ते पे आ गए। अरे चाची ऐसे मत बोलो, मैं हूँ ना, इसीलिए तो तेरे को फोन किया ना रंजन बेटा। देख बात कैसी है, अब तू इतने बड़े ऑफिस में काम करता है तो चाचा को छोटे मोटे नौकरी दिलवा देना तेरे ऑफिस में। चाची ये ऑफिस मेरा नहीं है, मैं खुद यहाँ पे नौकरी करता हूँ। तो तेरे बॉस को बोल देना नौकरी दिलवाने के लिए। अरे वो खुद की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे? क्या बहरे है क्या? अरे बाबा बहरे नहीं है, वो बहुत गुस्से वाले है। गुस्सा मेरे को बताएगा तू? गुस्सा? अरे मेरे गुस्से के सामने किसी की टिकती नहीं है, तेरे को पता नहीं है क्या? नहीं तेरे से कुछ नहीं होगा रंजन, मैं एक काम करती है, मैं ही कल ऑफिस में आती है और तेरे बॉस से बात करती है। हाँ ठीक, रख रख। अरे रख फोन। जी सुन। हेलो ए मेरी माँ, ए बाबा। अरे यार ये तो ना मर गया। तो क्या हुआ मुझे ना? क्या हो गया रंजन, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, डर है ये, डर डर। किस बात का डर? कुछ नहीं, फट्टू है फट्टू। इसको लगता है कि जो आतंकवादी कल जेल से निकले है ना वो ऑफिस आ जाएंगे। बोलो। ओ दादा आतंकवादियों का डर नहीं है, उनकी माँ आने वाली है मेरी चाची यहाँ इस ऑफिस में। किस लिए? मुझे क्या बताओ किसके लिए, मेरे चाचा की नौकरी गई है तो बॉस से नौकरी मांगने के लिए आ रही है। यार देखा, इतना सीरियस सिचुएशन है मगर तुम लोग सुनोगे नहीं, मजाक पहले उड़ाने लग जाते हो। ओ वाह, क्यों बड़ा डिफेंड कर रही है इसको है? हाँ तो करेगी है ना, इसका एक्स हस्बैंड जो है। ये अच्छा था एक्स हस्बैंड वाला। नहीं अगर हो रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो तू क्या कर लेगी? बताऊं तुझे? बताना। अरे कुछ कर नहीं सकती है ये, बाल पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए, अभी खत्म। चुप चुप। हाँ मैडम, हाँ मैडम शांत हो गए। इतनी सी बात पे पुलिस आ गई? पुलिस को किसने बुलाया रे? हमें किसी ने नहीं बुलाया है, हम यहाँ खुद आए। अच्छा और इधर क्या झगड़ा चल रहा था? हाँ, झगड़ा झगड़ा नहीं, रगड़ा। है? मैंने बोला नाश्ते में रगड़ा खाऊंगा, इसने बोला मैं पैटीज खाऊंगा, ये बोली मैं दोनों खाऊंगी। ये सनी ना मेरे से ज्यादा करेगा शान पट्टी तो एक खाएगा कान पट्टी। बहुत का है तुम्हारा घर पे। अरे मैडम रहने दीजिए ना, इतनी सी बात पे क्या बॉस को बताना। अब हमारा तो रोज का चलता रहता है। रोज का है ना तो ठीक है, आपस में निपटो, लेकिन वो टूटरेजा है कहाँ? मुझे बॉस से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैडम 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 मुझे मालूम है आप इन लोगों के नाद में मत लगो, बॉस अंदर केबिन में। चलो मैं आपको बता दूं। चलो चलो रगड़ा पैटिस। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, मन तड़पत हरि दर्शन। आज बॉस आ गए मम्मी पुलिस। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बॉस मुझे लगता है ये आपको हरि का दर्शन करवाने आई है। कोई गड़बड़ है, वरना पुलिस आज तक नहीं आई। आज तक पुलिस आई है? क्या लगता है यार पुलिस को क्या काम होगा बॉस से? मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। जिस तरह अपनी कंपनी की हालत है ना, मुझे लगता है पुलिस अपनी कंपनी बंद करवाने आई है। क्या बकवास कर रहा है रंजन, कभी तो अच्छा सोच यार। ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉस से किसी के पैसे खा लिए हो और पुलिस वसूली के लिए आई है। शट अप यार गाइस। अंकित बॉस ऐसा नहीं कर सकते। देखिए हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 आतंकवादी घूम रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों से तो ऐसा लगता है कि इन्हें खुद अपनी ये पर शर्मिंदगी है। ये ऐसे 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 करके क्यों फोटो निकाला इन्होंने? देखिए मिस्टर टुटेजा, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये 2 आतंकवादी आप ही के इलाके में घूम रहे हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मुझे तुरंत फोन कर दीजिए। इनका चेहरा तो छुपा हुआ है। प्लीज आपको जितना कहा गया है आप उतना ही कीजिए, और हाँ आप अपने स्टाफ को भी इतला कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे आप लोगों को कुछ भी लगता है? ऐसे कुछ भी लगने से कुछ नहीं होता है। नहीं मुझे लगता है बॉस ने किसी की जेब काटी है। हटो ना वो चाय किटली। हाँ चुपचाप मेरे कैबिन में चलिए, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। कौन? चलो अभी चलो चलो। अरे चलो सर, पुलिस क्यों आई थी? इज एवरीथिंग ऑल राइट? देखो मामला बहुत सीरियस है। पुलिस इसीलिए आई थी क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि कल रात को जेल से कुछ आतंकवादी फरार हो चुके हैं। और अब पुलिस का ये मानना है कि वो आतंकवादी इसी इलाके में है। Sit down, sit down, sit down. पुलिस का ये कहना है कि हम सबको सावधान रहना चाहिए। सर मैं क्या कह रहा था? तुम क्या कह रहे थे मुझे क्या पता। नहीं नहीं सर मैं तो ये कह रहा था कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम ऑफिस में ताला मारकर घूमने चले। उससे ये फायदा होगा कि आतंकवादी अगर आ भी गए ना तो देख के ये सोचेंगे कि ये कंपनी बंद हो चुकी है। क्या आइडिया है गुरुजी, क्या आइडिया है। पूरे ऑफिस में ऐसा दिमाग किसी का नहीं चलता है। अबे -1 -1 की जोड़ी तुम तो पहले से चाहते थे ना कि इस ऑफिस में ताला लग जाए। नहीं, नहीं, नहीं। अरे सर ये लोग पहली बार सही कह रहे हैं। मैं तो नहीं डरता किसी से, लेकिन बाकी सब डर गए हैं सर। तो काम कैसे करेंगे? हाँ पहले जैसे बहुत काम करते थे तुम। अरे होंठ कांप रहे हैं डरपोक। एक मिनट इतने डरने वाली क्या बात है? वैसे भी आतंकवादी यहाँ पर आ भी गए तो इस कंगाल ऑफिस से उन्हें क्या मिलेगा? मेरे कहने का मतलब है कि हम कंगालों से क्या मिलेगा सर? दादा वो आतंकवादी है, लूटेंगे नहीं, गोली मार देंगे सीधा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि गोली मारे, आतंकवादी है, हो सकता है हम सबको इकट्ठे बम से उड़ा दे। अरे यार बस बस करो, आप लोग टेंशन दूर नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाइए तो मत। सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ तुम भी पूछो। सर अगर टेररिस्ट ऑफिस में आए तो मैं उनको आपसे डायरेक्ट मिलने दूं या फिर उनको बोलूं कि अपॉइंटमेंट ले लें? नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट लेकर ही भेजना। हाँ इसको रेजिग्नेशन दो। भगवान कैसे कैसे लोग पाल रखे मैंने यार, इतने सारे गधे हैं यहाँ कि आतंकवादी भी यहाँ नहीं आएंगे। गधे बैक टू वर्क। क्या कर रहा है इतनी रात को, छुपा छुपी खेलना है यहाँ पे? पागल, छुपा छुपी नहीं खेल रहा हूँ, वो मुझे अकेला डर लग रहा था ना इसके लिए तेरी चद्दर में घुस रहा हूँ। पूरी दुनिया में इतने वक्त मेरी चद्दर मिली क्या, जाके जेडी की चद्दर में घुसना? अरे वो खुद डर के जेडी अंदर बैठा है बाथरूम में। अबे यार इतना क्यों डरते हो रे तुम लोग? पागल है क्या? तेरे को बोला था ना रंजन टॉयलेट के बाहर खड़ा रहे, मेरे को डर लगता है। अरे मुझे खुद को डर लग रहा था। अरे अंदर कितना डर लगता है मालूम है क्या? टॉयलेट के अंदर क्यों डर लगता है? छिपकली से। रात को डोरबेल से। कौन होगा इस वक्त? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, अरे कैसा तो नहीं? तू जाके देख ले कैसा तो नहीं। हाँ जाके दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अब क्या होगा रे? पता नहीं। अरे सुनना एक बार। अरे यार इतना डरता है क्या? डरता हूँ मैं, डरता हूँ बस। अरे जाना यार, क्या नखरा कर रहा है? अरे नखरा नहीं करो, सच में डरता हूँ मैं। ये देख कैसा आदमी है। मैं भी वैसा ही हूँ। यार कैसे लोग हो यार, तेरे जैसे ये फट्टू। हाँ तो चलो तीनों साथ में चलते हैं, मेरे को भी डर लगता है सच्चाई। ये हाथ पकड़ के चलो। अरे ऐसे तो गोल गोल घूम जाएंगे ना, सीधा चलो ग्रुप में चलो, ग्रुप में चलो। तुम लोग क्या टीका पड़ता है? कहा था ना, पहले भी कहा था ना कि कोई भी दरवाजे की घंटी बजाए तो कुंडी मत खोलना। अरे हमारे एरिया में आतंकवादी घुस आए हैं, वो लोग है ना तुम लोगों की जान ले सकते हैं। हमारे होते हुए हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए हमें आपकी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अरे मेरा बस चले ना मेरा, तो मैं आतंकवादी को फोन करके बुलाऊं यहाँ पे और तुम दोनों को उसके हवाले करूं और बोलूं कि मेरे सामने दोनों को 10-10 गोली मारो। एक बात कान खोल कर सुन लो, कोई भी दरवाजे की घंटी बजाए तुम लोगों को कुंडी नहीं खोलनी, समझे? जी पिताजी। नहीं मैं ट्रायल लूंगा। अरे दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। हमें क्या पता कौन है, हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। खोलो, पूरी रात में मार क्या करूंगा? एंजॉय करो। मेरी बात हो क्या? इतनी रात को होगा कौन? आतंकवादी। कोई दरवाजा मत खोलना। मैं लाइट लगाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम दोनों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मतलब अरे मतलब कि लाइट ऑन रखनी, इसको क्या अंधेरे में भी सब समझाना पड़ता है? मारो ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं 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 नहीं, दरवाजा क्यों खोल रहा है? दरवाजा मत खोल पागल कहीं के। एक काम कर, खूंखार हथियार ले आ। कहाँ जाऊँ? अरे वहाँ जा। कहाँ जाऊँ मतलब क्या मैप लेके बैठा हूँ क्या? कहाँ जाऊँ? डर लग रहा है रे जेडी। डर तो मुझे भी लग रहा है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये खाना बनाने के सामान क्यों लेके आया तू? किचन गया था तो चाकू लेके आया, चाकू। यार मैं भूल गया, टेंशन में कुछ याद नहीं आता है, लेकिन ये मेरे माँ के फेवरेट हथियार है। अरे काम करो, ये बेल ही बंद कर दो ना यार। अरे पागल, बेल बंद करने से जो बाहर बेल बजा रहा है वो थोड़ी चला जाएगा। एक काम करते, तीनों मिलके दरवाजा खोलते। ओके तू खोल, तू खोल। तुम लोग चल चल चल, तू चल आगे, तू आगे चल। मेरे को आगे क्यों कर रहे हो यार? हाथ मत छोड़ना, हम लोग पीछे खड़े, हम लोग पीछे खड़े। जा जा तू। यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ए भाई ए मेरे को क्यों आगे कर रहे हो रे? मैं आगे नहीं जाऊंगा। तू जा जा। हां जय बजरंग बोली, जय बजरंग बोली, जय बजरंग बोली। मैं छुप गया हूँ। क्या हो गया तुम लोग को? ऐसे क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे सनी? हम लोग क्या कर रहे थे जेडी? हम लोग क्या कर रहे थे वो छोड़ो। तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो एक्चुअली टेररिस्ट वाली बात सुन के रिया को थोड़ा डर लग रहा था, तो मुझे लगा कि हम सब साथ में होंगे तो थोड़ा बेटर होगा। रिया को डर लग रहा था? रिया को डर लग रहा था? सच बता डाकू हसीना, तू डर रही थी ना? तू अपना डर संभाल, डर से तेरे बाल भी खड़े हो गए। ऐसा नहीं है, डर सबको लगता है। हाँ, पर रिया को थोड़ा ज्यादा डर लग रहा था। मेरे होते हुए रिया तुम डर रही थी, ऐसा क्यों? हमारे होते हुए एक बारी बोला ना, सबके होते हुए डर लग रहा था, खत्म बात। गाइस इफ यू डोंट माइंड, मैं और सैम आज यहीं सो जाए। मैं माइंड क्यों करूंगा? रिया कमाल करती हो। चलो अंदर चलो। कम कम चल। मैं और रिया बेडरूम में सोएंगे और तुम लोग यहाँ बाहर रखवाली करोगे। चल रिया। यार ये सही है यार, हमारे घर में आके हमको चौकीदार बना दिया और हम जागते रहो करते बैठेंगे। हम नहीं, तू करेगा। पागल है क्या? मैंने पहले सोफा ले लिया, मेरा सोफा लिया, ये सोफा में मैं सोऊंगा। ये कहाँ से आ गया? एक्सक्यूज मी, किससे मिलना आपको? मेरे को पूछ रही है? मैं किससे भी मिल लूंगी। और तू होती कौन है मुझे पूछने वाली? देखिए मैडम, मैं क्या बोली मेरे को? मैडम पूछ पूछ, आगे कुछ भी पूछ। इधर कैसे? ये मेरी है। नालायक नालायक, लाज लगते तुला? आप चाची शर्म नहीं आती मेरी है बोलने को? ऐसे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या? मेरी है बोल रहा है, मेरी। अरे चाची आप समझी नहीं, ये मेरी है। तेरी भी शर्म नहीं आती? नहीं समझी, नहीं समझी। अरे तू समझा ना, समझा रहा हूँ ना। अरे चाची ये मेरी है। बात नहीं मारता तेरी। अरे तुम तीनों लड़कों कैसे समझ में नहीं आता, एक लड़की तीन तीन लोगों की नहीं हो सकती। अरे चाची आप बिल्कुल समझी नहीं, वो मेरी है। अंकल क्या आपकी उम्र क्या है? आपको शोभा नहीं देता ये। अरे क्या शोभा? नहीं शोभा नहीं, मेरी। अरे वो नहीं, क्या आपके बाल? एक 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 मिनट, ठीक है आप लड़के लोगों आपको शर्म नहीं है, छोड़ दो। लेकिन ये तो लड़की है ना। हाँ हाँ क्यों रे, तेरे को शोभा देता है ये? तेरे को शर्म नहीं आती? चार चार क्या? चार चार मेरा नाम मैरी है। मेरी है। हाँ। तो पहले बताने का था ना, ये इतनी बार बोला। जन्म में बताया कि मेरी है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी, तुम मेरे को क्या देख रहे? तुम लोग को कुछ काम नहीं है क्या? चलो ना चाची। हाँ? वो मेरी है। तेरी है? अंकल वो जोकीले है। जोकीले? जोशीले। अंकल जोकीले नहीं, अंकल नोकीले। रंजन बेटा। चाची क्या करेगी? रंजन बेटा इकड़े। मेरे को बताइए बॉस का रूम किधर है? बॉस अभी बाहर गए। बाहर गए? बाहर गए। रंजन तू चाची से झूठ क्यों बोल रहा है? बॉस तो कैबिन में अंदर है। मेरे से झूठ बोल रहा है तू? आ गए वापस? आ नहीं गए, गए नहीं थे। हाँ ये ले चल, ध्यान से। यहाँ पे गरम है डब्बा। हाँ चलो मेरी में। अरे नहीं भाई साहब नहीं है, मैं सारी किताबें देख चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं है। आप किस तरह की लाइब्रेरी छोड़ के गए हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, नेट की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पता लगाता हूँ। अरे ये गालियों की बौछार फिर से शुरू हो गई भाई साहब। अरे भाई साहब, अरे कोई नई गाली तो सीखो भाई। हेलो 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 हेलो। अरे अरे तू? आपसे पहले मैं मिल चुका हूँ। अरे हाँ, हमारी पहली मुलाकात वो रेलवे पुलिस स्टेशन में हुई थी ना। नहीं 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 नहीं, पुलिस स्टेशन के पहले तुमने हमारी गाड़ी को ठोका था, फिर हमने तुझे ठोका था। टूटा हुआ चश्मा पहन के कोई गाड़ी चला रहा है क्या? रुके रुके, वहीं रुके, जाना नहीं जाना नहीं। क्या कर रही हैं आप यहाँ? गुड मॉर्निंग बॉस। क्या कर रही थी यहाँ पे? चुप रहे। क्या चाहिए आपको? बॉस ये कह रही है कि चाचा की नौकरी छूट गई है तो चाचा के लिए नौकरी चाहिए। आई एम सॉरी बट यू सी एट द मोमेंट वी हैव नो वैकेंसी। घर का ना खाना बनाती हूँ, उससे हमारा घर चलता है और मेरे पतिदेव वो भी काम करते हैं और उससे बच्चों की पढ़ाई चलती है। अभी पतिदेव का तो काम छूट गया और बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई ना बॉस साहब। अब आप ही मेरे को बताओ, पढ़ेगा इंडिया तो ही आगे बढ़ेगा ना इंडिया। बॉस साहब आपका इंडिया तो बढ़ गया बॉस साहब, मेरा इंडिया कब बढ़ेगा बॉस साहब? भाभी जी, ओ भाभी जी नमस्ते। क्या सरप्राइज दिया आज आपने। क्या सरप्राइज दिया? आप यहाँ आ गई ना बिना बताए। अरे तुझे बता के क्यों आएंगी, तू उनका वो थोड़ी है। मेरे वो तो यहीं पे। अरे कहाँ गए? आपके वो थे, अब हमारी ये है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। अरे उसका मतलब है कि ऑफिस में नहीं है, बॉस ने काम से बाहर भेजा है। क्या यार तेरे फालतू डायलॉग से ना भाभी जी का मूड खराब हो जाता है। कोई बात नहीं भाभी जी, हम हैं ना। हाँ भाभी जी ये है ना, वैसे भी ना इनके पास बहुत फालतू टाइम है, आप इनके साथ जाके अपना टाइम वेस्ट कीजिए। भाभी जी ये डिस्टर्ब करेगी, लेट्स गो टू द कैफेटेरिया। कम भाभी कैसी हैं आप? ओए अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कौन है बे? आपने अपनी जगह पे खड़ा रहो। भाभी जी कम कम कम। हाँ यही पहले हमारी जगह थी सर। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.